हेलो वेलकम फ्रेंड्स। सर जिस तरीके से आप टैली ईआरपी 9 में काम करते हैं वैसे ही टैली प्राइम में भी कर सकते हैं, नो डाउट। ठीक है, अब इसमें जो है आपको बहुत सारी कन्वीनियंस मिल जाती है। अब क्या क्या कन्वीनियंस होती है आप देख सकते हैं यहाँ पर, आपको तमाम चीजें ऊपर दिखाई पड़ी। अगर आपको कंपनी में जाना है तो अल्ट के साथ की प्रेस करना है, अगर डाटा में जाना है तो अल्ट के साथ वाई प्रेस करना है, ये सब चीजें तो आपको ऊपर दिखाई ही पड़ती है। अगर आप कंपनी को अल्टर करना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर इंडियन शॉप कंपनी में है, तो टैली ईआरपी 9 में क्या होता था, टैली ईआरपी 9 में आपको अल्ट के साथ F3 प्रेस करना पड़ता था। जैसे मैं यहाँ पर एग्जांपल के लिए ओपन भी कर लेता हूँ टैली ईआरपी 9 और आपको दोनों में डिफरेंस दिखाता हूँ कि किस तरीके से दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, कई कंपनियां ओपन होंगी तो जो भी कंपनी आपकी है रिलेटेड कंपनी को आप सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो उस कंपनी को सेलेक्ट करके फिर आगे बढ़ेंगे। जैसे मान लीजिए ये हमारी कंपनी है तो एंटर कर लिया, ये कंपनी ओपन हो गई है। ठीक है, अब इस कंपनी में एडिटिंग करनी है तो आपको अल्ट के साथ F3 प्रेस करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन इन केस ऑफ टैली प्राइम आपको क्या करना है, सिर्फ F3 प्रेस करना है और F3 प्रेस करते ही कंपनी के अल्टर पे आ जाएंगे और ये कंपनी का अल्टर है और यहां से आप कंपनी को अल्टर कर सकते हैं। ठीक है, बनाने के लिए लेजर आपको अल्ट सी ही प्रेस करना है, लेकिन यहां पर देखेंगे कि टैली प्राइम में ऊपर ही आपको दे दिया गया है क्रिएट अल्टर चार्ट ऑफ अकाउंट और ये तमाम चीजें ऊपर ही दे दी गई है, यानी गेटवे ऑफ टैली पे ही दे दी गई है। लेकिन इनकेस ऑफ टैली ईआरपी 9 तो यहां पर आप देखेंगे कि यहां पर अकाउंट इन्फो है, इन्वेंटरी इन्फो है, तमाम चीजें यहां पर भी है, लेकिन ये सिनेरियो और ये सिनेरियो दोनों में बहुत डिफरेंस हो जाता है, क्योंकि आपको लेजर क्रिएट करना है तो यहाँ पर डायरेक्ट क्रिएट का ऑप्शन दिया गया है, लेकिन यहाँ पर कोई ऐसा क्रिएट का ऑप्शन आपको नहीं मिलता और भी तमाम इस तरह की चीजें हैं। ठीक है, अब इसके बाद बात करें हम कि यहाँ पर स्टॉक समरी की, तो ये चीज आपको सेम मिल जाती है, यहाँ पर भी आपको स्टॉक समरी मिल जाता है और अगर देखेंगे तो यहाँ पर भी आपको स्टॉक समरी मिल जाता है। ठीक है, बैलेंस शीट भी मिल जाता है, तो ये तमाम चीजें तो सेम ही है। ठीक है, चार्ट ऑफ अकाउंट पर क्यों जाते हैं, यहाँ पर चार्ट ऑफ अकाउंट पे मल्टीपल लेजर मल्टीपल चीजें बनाने के लिए आप चार्ट ऑफ अकाउंट पे जाते हैं, जबकि यहाँ पर आप आएंगे तो यहाँ पर देखेंगे कि टैली ईआरपी 9 में ऐसा कोई चार्ट ऑफ अकाउंट यहाँ पे दिया नहीं होगा, तो यहाँ पे कोई चार्ट ऑफ अकाउंट नहीं है। तो अगर आपको मल्टीपल लेजर बनाना है तो भी अकाउंट इन्फो पे ही जाना होता है और अगर आपको सिंगल लेजर बनाना है तो भी अकाउंट इन्फो पे ही जाना होता है। ठीक है, इसके अलावा मल्टीपल स्टॉक आइटम बनाने हैं तो भी यहीं पे जाना होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है कि यहां पर अगर आपको मल्टीपल लेजर्स बनाने हैं तो चार्ट ऑफ अकाउंट पे जाकर के और यहां लेजर्स पे जाना है और लेजर्स पे जाने के बाद यहां पे नीचे मिलेगा मल्टी मास्टर जैसी शॉर्टकट की होती है ऑल्ट के साथ एच, तो यहां पर जाकर के आप मल्टी क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सब डिफरेंसेस है और भी बहुत सारे डिफरेंसेस है, तो चलिए आने वाले समय में इसको भी क्लियर करता रहूंगा। तब तक के लिए कीप वॉचिंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।